दौर जो है वो बिल्कुल चलता है। और तो मैं थैंक यू बोलूंगा आप सबको अगेन इनवाइट करने के लिए। यहाँ पे जो भी है, जो मुझे सुन रहे हैं, तो वही है कि बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाला इम्पोर्टेंट होता है, बट सुनने वाले के पास भी जो है कुछ जो है रियल लोगों की बात आप सुनेंगे, सही लोगों की बात सुनेंगे, तो आपको आई थिंक अच्छा लगेगा। अच्छी लीडरशिप के साथ आप रहेंगे तो हमेशा टॉप पर जाएंगे, वैसे ही है। और सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो आज थोड़ा सा एक खुशी गम वाला जो भी रहा दिन, क्योंकि सबसे पहले तो गुरुराज जी जो हमारे पहले तो कई फाउंडिंग मेंबर हमारे चले जा चुके हैं ऑलरेडी, जैसे हमारे इदरीस मोदी साहब और भी कई सारे लोग, लेकिन अभी एक और जो बहुत अच्छे मेरे भी बहुत क्लोज थे वो थे हमारे गुरुराज सर। गुरुराज जी जो बहुत ही जबरदस्त लीडर थे, और सुबह व्हाट्सएप पे एक्चुअली ग्रुप में ज्यादा नहीं, वहाँ पे मुश्किल से 20-25 लोग हम वहाँ पर हैं, और उसमें गुरुराज जी के मोबाइल से एक मैसेज था सुबह 5:30 बजे के समथिंग, कुछ ऐसा मैसेज था कि अब ही इज नो मोर, नहीं रहे। तो मुझे हैरानी हुई कि ये कैसे पॉसिबल है, और वो विश्वास नहीं हुआ। एंड अगेन जब मैंने उनके नंबर पे कॉल किया तो उनके ब्रदर थे, उनके ब्रदर ने जो है कॉल उठाया, और उनके ब्रदर जैसे ही कॉल उठाए और उनसे मैंने कंफर्म किया तो बोले सर बिल्कुल वो बीमार थे, और जो बीमारी थी उन्होंने बताई है, और ऐसा ऐसा कुछ था, बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। तो बहुत ही अच्छे लीडर थे, और करीबन 5 साल से ऑन पैसिव के साथ में वो जुड़े हुए थे। ग्रेट लीडर, एक अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छे इंसान। और मुझे याद है कि उनसे ज्यादा तो नहीं, आज से 2-2.5 साल पहले और बहुत कम 2-4 बार डिस्कशन हुआ था कभी मीटिंग में, या उनसे कभी मेरा फोन पे भी बात हुआ था, बहुत कम बात हुई थी। लेकिन वो एक चीज थी, जब मैंने वीडियो स्टार्ट ही किए थे अपने यूट्यूब पे बनाना, और वो मुझे कई बार वेबिनार में सुनते थे तो मेरे से हमेशा बात करके बोलते थे यार आप बहुत अच्छा करते हो, आपकी वीडियो भी मैं देखता हूँ, तो अच्छा लगता था। एक अच्छे लीडर जो है वो हर किसी को सुनता है, नए लोगों को भी मोटिवेट करता है, वैसे ही हमारे गुरुराज सर थे, और उन्होंने बहुत अच्छा जो है सबको सपोर्ट भी करते थे, और ज्यादा वो आपको दिखते नहीं थे कहीं ज्यादा वेबिनार में, शुरू में कहीं दिखे होंगे बट नहीं दिखते थे, इसका मतलब नहीं था कि वो एक्टिव नहीं थे, वो बहुत एक्टिव पर्सन थे। और ऐसे कई लोग हैं हमारे लीडर हैं गुरुराज सर जैसे, जो इस दुनिया को जो छोड़ के जा चुके हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको पूरा श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और बिल्कुल उनकी फैमिली के साथ हमारा पूरा यहाँ पर जो है उनका हम सम्मान करते हैं। और बस इसी टाइप से जो है हमारा ऑन पैसिव के कारवा में कई लोग शामिल हो रहे हैं, कोई इस दुनिया में नहीं रह रहा है, बहुत सी चीजें हो रही हैं, और यही है ऑन पैसिव, इसलिए क्योंकि हमने हम भी यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे पैसे के लिए भी आए हो, पैसे के लिए ही आए हैं ज्यादातर, तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लाइफस्टाइल और बेहतर हो, लेकिन एक जो इमोशंस के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये भी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, क्योंकि एक दिन तो सभी को जाना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, बट जो आप जब भी जाए तो आपको लोग याद करें, तो ऑन पैसिव फैमिली में से अगर कोई अच्छे लीडर जाते हैं, अच्छे लोग जाते हैं, तो दुख तो होता है। तो वैसे ही हमारे गुरुराज साहब थे, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थे। और अभी अगर हम कंपनी की अपडेट्स की बात करते हैं, तो अभी लेटेस्ट में आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से अभी पॉपअप आया था, उसके पहले ही वो पता ऑलरेडी चल चुका था कि हमारा जो फाउंडर से कुछ मैसेज लोगों को आ रहे हैं, ये काफी सारे तो मैसेज आप लोगों ने देखे होंगे, आपके पास भी कईयों के पास आए भी होंगे, तो उसपे ऑलरेडी बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे भी वीडियो बना दिए लोगों ने, अपडेट भी आ गई है कि किसी प्रकार का आप क्लिक वगैरह ना कीजिए इसके ऊपर, और नहीं जाना है कहीं भी, और जब तक कि जो है आपको वो फाउंडर से इस टाइप का कोई मैसेज नहीं है या किस टाइप का कोई मैसेज नहीं है, ये पूरी तरह से जो है फेक मेल है, तो उस पर क्लिक वगैरह नहीं करना, अगर कर भी दिया है तो उसमें गलती से अपना जो डिटेल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है, इसमें आपके वॉलेट्स की जानकारी है तो नहीं देना है कुछ, एक तरह का ये जो है आपके साथ कुछ मतलब किसी ने जो है यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश कोई कर सकता है ये होगा, तो इसपे ऐश मुफारे सर ने भी डायरेक्टली जो है मैसेज किया था, तो बिल्कुल पॉपअप को भी देखिए, और जो भी होगा कंपनी के पॉपअप उस पे जो है आपको ध्यान देना है, जो ऑफिशियली आता है जो भी आएगा तो पहले बैक ऑफिस में बता दिया जाता है उसके बाद में, और विड्रॉल्स के अगर आपको आते हैं पेंडिंग विड्रॉल के कोई मैसेज आएंगे तो वो भी आपको आना है ऑन पैसिव से या ओडेस से ही आएंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा और कोई अदर सोर्स से नहीं आएगा, ओडेस से ही आने वाला है, क्योंकि मैंने कंपनी में कंफर्म किया था जबकि कौन सा मेल आएगा हमारा पेंडिंग विड्रॉल जिन्होंने लगाया, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि ऑन पैसिव से ही आपको मेल आने वाला है, तो अदर कोई सोर्स से अगर मेल आ रहा है तो वो नहीं होगा, राइट। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आज थोड़ा सा इसमें कुछ लोग दुखी भी हो गए, उनको लगा कि शायद जो है यहाँ पर जो एक्सटेंशन हो गए हैं, तो
तो यहाँ पर बहुत सारे अब होंगे जो सोशल मीडिया पे या सभी जगह फैलाएंगे, अरे फिर से 10 दिन का एक्सटेंशन हो गया, अब तो कुछ होना जाना नहीं है, कंपनी ऐसे कर करके और पता नहीं क्या मार्च अप्रैल भी निकाल देगी। तो देखिए एक बात बता दूं कि कंपनी अपने हिसाब से जो है काम कर रही है उसे करने दीजिए, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो सबके नहीं हुए हैं। सबका कहने का मतलब है जिनकी डेट थी 20 तारीख, जिनकी डेट थी जैसे हमारी डेट थी, मेरे जो भी अकाउंट थे 4-5 आप जिसके भी होंगे उनका एक्सटेंशन हुआ है, जिन्होंने जो पहले के जो जिनके बाद में पैकेज बाय किए थे उनके तो ऑलरेडी 3-3 महीने का पैकेज उन्होंने ले रखा है, तो उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो सिंपली इसमें जो है सही चीज को अगर आप समझ के चलेंगे तो एक्सटेंशन होने से, अगर चलिए एक्सटेंशन नहीं होता और फिर क्या करते हम, तो फिर ये इसके लिए आपको तो कमीशन वगैरह चाहिए, तो जो कंपनी ने अभी तक अभी हमें वॉलेट में डाले नहीं है, तो अगर अब एक्सटेंशन 10-10 दिन का बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कुछ बीच में अपडेट ये दे करके शायद वो करना चाहिए कंपनी ने, आई थिंक हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो कंपनी का जो भी होगा वो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से आप फ्री को यूज कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात भी है कि अभी आपको पैसे नहीं देना पड़ रहे हैं, तो $125 का आपको नहीं तो महीने का पैकेज लेना पड़ता है, या जो भी इसके आगे जाके आते हैं वो आपको पैकेज तो लेना ही पड़ता। तो यहाँ पर कई लोग बोलते हैं तो कंपनी गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और कई फाउंडर बोले कि वहाँ फलानी जगह पे इन्होंने केस किया, ये किया, वो किया, तो उससे कुछ होना नहीं है। पहले तो कंपनी के अगर नहीं कोई केस हो ही नहीं सकता, पहली बात तो आपको $97 थे आपको लौटा दिए गए थे, उसके बाद में वो उस पर बात ही खत्म हुई, उसके बाद में आपने पैकेज जो बाय किए उस पैकेज के बदले में आपको कंपनी ने क्या किया था कि आपको यहाँ पर वो करेंट का 3 महीने का जो है दे दिया था आपको कि 3 महीने तक आप चलाइए, और अपने पास से और एक्सटेंशन करके एक जो है 10-10 दिन का अपने पास से उन्होंने खर्च करके आपको फ्री यूज करने को दिया है। तो कंपनी के अगेंस्ट तो कोई कुछ आप बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो भी होगा वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप जो भी होगी तो वही आपकी मर्जी है कि आप उसे किस तरीके से देखते हैं। तो ये सारा है, बट अदरवाइज आप देखें तो अभी काफी चीजें होंगी, अभी ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव में जो है कुछ नहीं हुआ या आगे कुछ नहीं होगा, मे बी बहुत सारी चांसेस हैं यहाँ पर अपकमिंग डेज में, बहुत सारी गुड न्यूज भी हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो इसको जो है सही वे में लें, और एक अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है और इसका यूज भी करना चाहिए। रिसेंटली अभी मैं मेरे पास एक्चुअली शॉप भी है मेरा, जहाँ पे जैसे फोटोकॉपी वगैरह ये बहुत सारा है काम रहता है, तो मेरे पास रिसेंटली एक बंदे को आए थे, बहुत सारे कस्टमर्स मेरे यहाँ आते रहते हैं, तो एक कस्टमर आए थे उन्हें जब फोटोकॉपी वगैरह कुछ कराने थे, तो वो मेरे पास जब ऑफिस मेरे दुकान में ऑफिस में जब उन्होंने देखा कि क्या है आपके यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये कंपनी क्या है, तो मैंने बोला ये जस्ट एक AI बेस्ड कंपनी है और इसमें मैं ऐसे ऐसे हूँ, तो थोड़ा उन्होंने देखा और बोले कि आपके पास ये चीज़ आई कैसे, मतलब आप इतनी छोटी सी जगह में छोटे से शहर में हो ये चीज आपके पास कहाँ से है इतनी बड़ी चीज। मैंने देखिए सर ये तो सब इंटरनेट का कमाल है, यहाँ से बैठ के आप दुनिया जीत सकते हो, हाँ ठीक है ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये क्या है, वो एक डेटा साइंटिस्ट था वो बंदा, और उस डेटा साइंटिस्ट को बहुत अच्छा लगा जब उसने इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मुझसे लिए और फिर मुझसे पूछा ये क्या है, मैंने सब फाइनली बताया, और वैसे .com आप जाकर के देखिए सर्च कीजिए तो वो किस तरह से मतलब डेटा को कैसे क्या करना है, हमारे कैसे क्लाइंट होते हैं इसके अंदर वो सारा बताया था, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं वो सारी चीजों का डिस्कशन हुआ। तो कुल मिला के जब ऑन पैसिव का पता चला तो बहुत अच्छा फील हुआ, और बोले यार इतनी अच्छी कंपनी आपके हाथ में कैसे आई, क्या आई, खुशी होती है देखिए कि जो जानता है इस चीज को, जो समझता है टेक्निकल चीजों को, उसके लिए ये ऑन पैसिव बहुत बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल पर्सनैलिटी है तो उसको जो है यहाँ पे टेक्निकल अगर बंदा है तो उसे पूरा नॉलेज है इस कंपनी का, अगर ऑन पैसिव के बारे में कोई बंदा जानता है वो बोलता है कि उसे टेक्निकली जो है ऑन पैसिव जो है बहुत मतलब अच्छा लगा, बट वो उसको भी पूरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, हर किसी का एक डिपार्टमेंट होता है, मतलब किसी का डिपार्टमेंट होता है भैया डेटा साइंटिस्ट हो है कोई इसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, कुछ और फलानी चीज पे काम कर रहा है, कुछ और फलानी चीज पे काम कर रहा है, तो एक टीम नहीं होती है बल्कि बहुत सारी टीमें काम करती है। तो ये जो होता है जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो तो डेफिनेटली जो है ऑन पैसिव के सिस्टम में जुड़ा है और बैक एंड पे जो काम चल रहे होंगे उसके हिसाब से सारी चीजें उनकी होती है, वो अपने जो फील्ड में नॉलेज रखता है, राइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी चीज जान जाए, वैसे ऑन पैसिव के बारे में अगर कोई टेक्निकल बंदा आ जाए तो हम सोचते हैं शायद उसके पास बहुत नॉलेज होगा, ऐसा भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी फील्ड का नॉलेज रख सकता है, लेकिन ऑन पैसिव इतना बड़ा सिस्टम है कि शायद इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, और हमको अपने यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा सिस्टम कर रहा है काम उसे वैसे ही करने दीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव जो है
हमारी जो सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है, इस वजह से जो है काफी चीजें आएंगी। और अभी थोड़ा सा क्या है कि अभी कई लोग हैं बहुत परेशान हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं। तो देखिए, नेगेटिव होने से जो है सोल्यूशन नहीं मिलता है। मतलब कई लोग ये तो है कि भाई, जब तो नेगेटिव, देखिए, बोलने का मौका मिलता है नेगेटिव लोगों को कि यार यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नेगेटिव वीडियो बनाएंगे, ये होंगे। लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं जो ऑन पैसिव में है, जो पॉजिटिव थे लेकिन थोड़े थोड़े कुछ अपडेट नहीं आने से थोड़े से उनके मन में डाउट्स हो जाते हैं। तो उन्हें मैं बोलूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा कंपनी अपने काम करेगी। यहाँ पे किस तरह से एक्सटेंशन जो अभी 10 दिन बढ़ाए गए हैं, तो डोंट वेरी, 10 दिन परमानेंट हो सकता है, 10 दिन हो, बाद में 10 दिन और बढ़ा दे, फिर 10 दिन बढ़ा दे, आई डोंट नो। बट हो सकता है कि ये भी कि इस बीच में कुछ और अच्छी अपडेट आ जाए, क्योंकि चांसेस होंगे अभी इस वीक में कि अगर ऐश मुफारी सर अगर लास्ट वीक आए नहीं थे तो इस वीक में शायद उन्हें आएंगे और कुछ चीजें क्लियर करें। और हम यही आशा करते हैं कि वो 100% आके कुछ इन्फॉर्मेशन आके हमें जरूर दें, ताकि लोगों के मन से थोड़े से जो डाउट है वो भी खत्म हो जाए। और डाउट जो है होता रहेगा आपको कि यार आज कुछ हो जाता है, कल कुछ हो जाता है, रोज हम ओईएस चेक करते हैं, हम शायद ईमेल चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक्सटेंशन का नहीं है। देखिए, एक्सटेंशन आगे पीछे हो जाए उससे कोई मैटर नहीं करता है। अभी जो मेन है वो है पेंडिंग विड्रॉल्स, और जो सबसे बड़ा कंपनी के लिए आई थिंक वो चैलेंज होगा वो होगा पेंडिंग विड्रॉल्स को निपटाना। और पेंडिंग विड्रॉल अगर क्लियर हो जाते हैं कुछ लोगों के, और यहाँ पे क्लियरिफिकेशन हो जाता है, तो एक्सटेंशन भला से 10 दिन अभी और 10 दिन बाद में भी पड़ जाए तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आदमी के पास वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा और उसके पास में सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली सारा उसके अंदर नेगेटिविटी जो है हट जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों के अगर यहाँ पे विड्रॉल्स आ गए तो वो खुश होने वाले हैं। तो ये कंपनी का फोकस आई थिंक इसी पे होगा। और सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था कि देखिए, अपडेट्स के ऊपर हम नॉर्मली जाते हैं, नई नई अपडेट्स क्या है। मैंने एक बनाया था कि आप 10 जनवरी 2024 की एक अपडेट थी जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था सुबह 5-6 मिनट का, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और उसमें यही था कि जैसे अभी अगर 10 जनवरी 2024 की अपडेट को आप उठा के देखेंगे, उसमें 7 जनवरी को हमारा पॉपअप आया था, उसके बाद कोई पॉपअप नहीं आया। अभी जो पॉपअप आया है वो अपडेट से रिलेटेड नहीं है, इसकी उसकी बात नहीं करेंगे। तो 7 जनवरी के बाद कोई पॉपअप नहीं था, लेकिन उसके बाद 10 जनवरी 2024 को एड्स मुबारक सर की अपडेट बहुत सारी थी। उसमें जो है कार्ड्स के बारे में डिस्कशन था कि किस तरह से कार्ड्स के ऊपर जो है यहाँ पे काम चल रहा है। मतलब कार्ड जो हमारा है, डेबिट कार्ड के बारे में काफी अच्छा डिस्कशन था, जिस तरह से कि वो पूरी तरह से चालू हो गया। मतलब डेबिट कार्ड का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है डेबिट कार्ड का, और उसमें कमीशन लोड करके आप इसे क्या खरीदना क्या नहीं वो उस पर जो है काम किया जाएगा। इस बात को करीबन 1 महीना और 10 दिन 12 दिन हो चुके हैं। मतलब कहने का यह है कि जो अगर पुरानी अपडेट में आप जाओगे तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में बहुत जबरदस्त है। और खासकर कार्ड्स की बात करते हैं हम, जो कार्ड डेबिट कार्ड की बात, ऑन पैसिव डेबिट कार्ड की बात, तो वहां पर किया गया था उस बात को 1 महीना अगर हो गया, उससे ज्यादा वक्त हो गया है, तो डेफिनेटली उस पर और भी कुछ काम किया गया होगा 100%। और अगर वो काम किया गया होगा तो हमें वो दिख जाएगा बहुत ही जल्दी। क्या भरोसा कि कब क्या कुछ कार्ड को लेकर के अपडेट आया है, डेबिट कार्ड को लेकर के कि इसका जो हमारे फाइनली आ रहा है। अब इसमें डेबिट कार्ड में नॉर्मली क्या होता है कि अगर फिजिकल कार्ड आते हैं, तो भी उसके लिए एड्रेस जरूरी है आपका, आईडी जरूरी है, उसके बिना आपके एड्रेस पे कैसे पहुंचेगा, तो ये एक सवाल होता है। इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए, कि डेबिट कार्ड होते हैं आपके एड्रेस पे तब आते हैं जब आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। लेकिन एक होता है डिजिटल कार्ड, एक डिजिटल कार्ड होता है, एक फिजिकल कार्ड होता है। तो डिजिटल कार्ड ही अगर आ जाता है आपका, तो डिजिटल कार्ड में जो है आप आराम से सारा काम कर सकते हैं जो फिजिकल कार्ड में भी कर सकते हैं। कुछ ही कंडीशन में फिजिकल कार्ड काम आता है। फिजिकल कार्ड भी अगर बुलवाते हैं तो उसका भी चार्जेस लगता है अलग से, ठीक है। तो अभी फिजिकल कार्ड नहीं भी आया तो डिजिटल कार्ड ही हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिले और उससे हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सके। तो ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आएगा, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लेगी कंपनी, और विड्रॉल की प्रोसेस को ज्यादा स्मूथ बना के जो है यहाँ पर कंपनी आ जाएगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी, आई थिंक। तो वही है सारा, तो बस यही है अपडेट्स मेन, तो यही है। और बाकी जो हमें खास ऐसी अभी कुछ अपडेट्स नहीं है। अगर ऐश मुफारी सर ऑन पैसिव 360 में आते हैं कल तो अच्छा अपडेट देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो अभी फाइनली जो भी प्रोसेस चल रही है उसे हमें इसी तरह से देखते रहना। तो मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो अभी जॉब कर करके परेशान हो गया हूँ, अब तो मैं छोड़ना चाहता हूँ,
काफी टाइम हो गया इंतजार करते करते, तो वही है कि देखिए अगर ऑन पैसिव नहीं होता तो हमारे पास उम्मीदें नहीं होती, अगर उम्मीद नहीं होती है तो आदमी की जिंदगी में थोड़ा सा क्या है कमियां हो जाती हैं। देखिए इसलिए आपकी लाइफ में एक उम्मीद एक होप का होना बहुत जरूरी है, और आपके पास एक इतनी बड़ी जो कंपनी है ऑन पैसिव जो एक अकेली ऐसी उम्मीद है जिसमें आप एक बड़ा लाइफस्टाइल को देख सकते हैं, आप एक बड़ी लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं एंजॉय कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे अगर एक्सटेंशन हो रहे हैं बार बार हो रहे हैं या इसमें कुछ पेंडिंग विड्रॉल डिले हो रहा है तो ये सिस्टम को हमें जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी जनरेशन की सिक्योरिटी की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर आप ये बोल सकें कि हमारी जनरेशन सेफ हो रही है, हम सेफ हो रहे हैं। तो वही चीज है मोटिवेशन, अगेन लोग बोलते हैं मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, कंपनी अगर काम नहीं करेगी तो मोटिवेशन किसी काम का नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप किसी भी जगह टिक भी नहीं पाओगे, इस चीज का भी ध्यान रखिए। तो ये भी जरूरी है, और मोटिवेशन कौन करता है आपको, मोटिवेशन कोई नहीं करता है, ना मैं करता हूँ ना कहीं आप सीखते हैं, मोटिवेटेड आपको खुद को अंदर से होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बोलने से अगर आप मोटिवेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी, किसी लीडर के सुनने से आप मोटिवेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि यार नहीं बोलने से तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों वो अपने अंदर ही मोटिवेटेड नहीं है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, जिंदगी में यही चीज काम आने वाली है, ना सिर्फ ऑन पैसिव हर जगह पे काम आएगी। तो पेशेंस वाली बात है तो पेशेंस और अभी रखना है, बट फोकस अगेन फिर से बोलूंगा कि एक्सटेंशन को छोड़ दीजिए, एक्सटेंशन तो होने ही थे, तो 99% तय था कि 10 दिन का इसमें बढ़ना ही है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि विड्रॉल्स वगैरह को अगर कंपनी ने अभी फास्ट कर दिया या कुछ अच्छी अपडेट मिल गई आने वाले दिन में, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो गुड न्यूज होगी। तो अपना हौसला थोड़ा सा बढ़ा के रखो और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करके रखें, क्योंकि यही वक्त है जिसमें अगर आप संभल गए तो बहुत कुछ होगा, नहीं तो जो लोग नहीं संभले थे आज से 3 साल 2 साल पहले 1 साल पहले कई लोगों की आईडी इसीलिए टर्मिनेट हुई थी क्योंकि उन्होंने पेशेंस अपना कहीं ना कहीं खो दिया था। और अगर आपने पेशेंस खो भी दिया है तो किसी भी प्रकार से आकर के किसी भी वेबिनार में अगर आप नेगेटिव बोलते हैं या कमेंट्स करते हैं तो वो आप ही के लिए घातक होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अदरवाइज तो जो भी होगा बेस्ट होगा, और देखते हैं जो भी अपकमिंग अपडेट होगी। तो थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली मुझे कहीं जाना भी था इसलिए थोड़ा डिले भी हुआ, बट सॉरी उसके लिए, बट नेक्स्ट टाइम जब भी होंगे मैं आप इनवाइट करेंगे तो 100% मैं टाइम से आऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच जमशेद भाई, एंड थैंक यू साबिर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जावेद जाफरी सर एक बात बता दे कि ये हमारे रघुराज जी सर जो आज हमारे एक्सपायर हो गए, तो लोग बता रहे हैं कि वो फर्स्ट फाउंडर ऑफ इंडिया थे, इंडिया के पहले फाउंडर थे। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो सर कहाँ के रहने वाले थे, बिहार भारत के किस राज्य से, इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग्स करते थे सर वो? हाँ, गुरुराज सर एक्चुअली जो है गुरुराज सर जो है वो इंडिया के फर्स्ट फाउंडर थे। फर्स्ट क्या मतलब और भी होंगे, बट वो जो एक्टिव फाउंडर बोल सकते हैं उनको, जो सबसे एक्टिव फाउंडर थे वही थे, और 5 साल लगभग उनको हो गया था। और अगर बात करते तो साउथ के कहीं थे उनका, एक्चुअली मुझे जो है उनसे भाई उनसे पूछना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली उनका लोकेशन पूछा नहीं है कि किस शहर में रहने वाले हैं, बट यह है कि साउथ के कहीं थे, वो हैदराबाद साइड के ही कहीं पर थे, क्योंकि वो हैदराबाद भी आए तो थे या वहीं के कहीं रहने वाले, बट एक्चुअली उनका शहर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर अपने वक्त, जो आपका मसरूफ तरीन वक्त था, आपका जो बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप हमारे इस मंच पे आए और एक्टिव स्टार इंडिया में बहुत सारे लोग आपको सुनने को बहुत आतुर थे, बेकरार थे, आपका इंतजार हो रहा था, और आपने बहुत सारी बातें बताई जिसमें आपको सबसे मेन बात तो ये है कि हमारा जो 10 जनवरी को बताया गया था कि डेबिट कार्ड के बारे में, और वो डिजिटल कार्ड होगा, तो अगर डिजिटल कार्ड होता है तो उससे भी हमारा काम हो सकता है, तो इस तरह की बात है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, और अब मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलता हूं, और मैं अब इनवाइट करता हूं इस मंच पे हमारे
सतपाल थापा जी को। सतपाल थापा जी सर, आपका वेलकम है, इस मंच पे आए सर और अपनी बात यहाँ रखें। सतपाल थापा जी सर। सतपाल थापा जी, आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो वेलकम है आपका इस मंच पे, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है तो मैं इनवाइट करता हूँ नीता देवी मैम को। नीता देवी मैम, आपका भी वेलकम है इस मंच पे, आप आए और अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, अपना शेयरिंग यहाँ दे सकते हैं। नीता देवी मैम फ्रॉम जम्मू। थैंक यू जमशेद सर, मुझे इनवाइट करने के लिए प्रैक्टिस स्टार इंडिया के मंच पे। जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट, को होस्ट, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे जाफिर सर, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ और उनका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। वो हर मंगलवार को आते हैं और हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, तो आज भी इन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई कि थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो हमें पैनिक नहीं होना है। हो सकता है कि 10 दिन का और आगे हमारा ओपनेक्ट को बढ़ा दिया जाए, तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि जो मतलब के ऐसा ने जो भी संकल्प लिया है वो जरूर जरूर, जो उन्होंने हमारे साथ एक डन डील जो भी मतलब के बोलो, उन्होंने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। और हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ही हो रहा है। वो ऐसा ने बोला है ना कि मैं जल्द से जल्द देना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूँ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे कि लेट हो रहा है, लेकिन वो आधी और अधूरी चीजें हमारे सामने नहीं लेके आना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो ले भी आए तो कल को वो हमको ही परेशानियां होंगी, किसी का विड्रॉ नहीं आएगा, किसी के बैंक में पैसा नहीं आएगा, रुक जाएगा, जहां हमको ही परेशानियां होंगी। हमारे लिए ही वो जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमको समझना है इस बात को कि हमारे लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, तो हमें बस अपना पेशेंस बनाए रखना है। कोई बात नहीं, 10 दिन की क्या बात है, अगर 1 मंथ 2 मंथ भी लग जाता है ना, तो हमें डटे रहना है। इसी तरह हमें वेबिनार में आते रहना है और बहुत सारे वेबिनार है हमें सीखना है, क्योंकि हम अभी कुछ भी नहीं जानते अर्न पैसिव को, तो जैसे जैसे हम अभी जान रहे हैं ना कि कितना बड़ा काम हो रहा है, कितने हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको देखो एक एक देश को थोड़ी उन्होंने पैसे देने हैं, उन्होंने 200+ देश हैं, जिनके जो हर एक मतलब के देश के बैंक के रूल्स अलग हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस करके हम तक पहुंचना है, तो हमको बस मैं यही बोलती हूँ पेशेंस बनाए रखो, जिस दिन आएगा तो सभी बहुत खुश हो जाएंगे, और बस खुश रहो और एक्टिव रहो और बस जानकारी लेते रहो, मैं यही बोलती हूँ। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू जमशेद। थैंक यू सो मच। हमारे नीता देवी मैम जम्मू से थी, और अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारे मनोरमा बधु जी को। मनोरमा बधु जी, आप अपने आप को जरा देखें कि आपका माइक अगर अनम्यूट हो रहा है तो आप आए और अपना शेयरिंग दें। मनोरमा बधु फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट प्रीति देवी जी, आपका वेलकम है इस मंच पे, आप आए और अपना शेयरिंग यहाँ रखें। प्रीति देवी। रेखा रानी मैम, आप भी जम्मू से बिलोंग्स करती हैं, आपका वेलकम है इस मंच पे, आए और अपनी बात रखें। रेखा रानी मैम। आलोक हल्दर जी, आपका वेलकम है सर। आलोक हल्दर। सतपाल थापा जी,
मेलिंडा ओला। चलिए बहुत सारे लोग हैं और शायद प्रॉब्लम हो रहा है उनको, या फिर आना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, या अपनी जुबान नहीं खोलना चाहते हैं, तो अब ऐसे या कोई इश्यूज है उनके साथ में, तो ये बातें हैं। इन बातों में हम तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अगर ऐसी अवस्था रहेगी तो सेशन को हम लोग वाइंड अप भी कर लेंगे जल्द से जल्द। तो मैं थोड़ी कुछ बात अपनी रख देता हूँ, उसके बाद सेशन को वाइंड अप कर लूंगा, क्योंकि आज कहीं भी सेशन चल नहीं रहा। आज हमारे जो गुरुराज जी बहुत एक्टिव फाउंडर रह चुके हैं, और उनकी डेथ की वजह से बहुत सारी सेशन जो है आज क्लोज कर दिया गया है, कोई भी सेशन नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी एक्टिव स्टार इंडिया ही यहाँ मंच चल रहा है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी लगातार बनी रहती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल एंड एवरीवन। इस मंच एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे होस्ट को, होस्ट सारे लोगों को, तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, बिग पिक्चर इंटरैक्शन ऑफ लाइफ, बिग पिक्चर क्या है हमारे लिए? तो सबसे बड़ा बिग पिक्चर तो हमारा डाटा सेंटर। अब आपको दिख रहा है कि डाटा सेंटर जो है, मैं डाटा सेंटर के बारे में रविवार को ही बहुत सारी बातें बोला था, आज फिर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूं कि डाटा सेंटर, सेकेंड मोस्ट एडवांस डाटा सेंटर इज कमिंग। दिस टॉप डाटा सेंटर इज बिग सक्सेस, यानी दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो बहुत जल्द अब आपके सामने आने वाला है। लगभग 80% काम लगभग लगभग उसका हो चुका है, और जो दूसरा सबसे बड़ा उन्नत डाटा सेंटर आ रहा है, और ये शीर्ष डाटा सेंटर बड़ी जो है सफलता है, बड़ी कामयाबी होगी हमारी ऑन पैसिवियंस के लिए, और जितने भी डेटा हमारे रखने वाले उन लोगों के लिए। तो लाइफ बिफोर ऑन पैसिव, यानी कि ऑन पैसिव से पहले और आफ्टर ऑन पैसिव, और ऑन पैसिव के बाद का आपका जीवन पैसा होने वाला है। तो लाइफ बिफोर ऑन पैसिव इज ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड शोइंग, इंक्लूडिंग कैरेक्टर, इनक्रेडिबल कैरेक्टर, इंटेग्रेशन, मोरलिटी एंड एक्सप्रेसिंग द स्प्रिट ऑफ फाइटिंग ऑफ ऑन पैसिव। यानी कि ऑन पैसिव से पहले, ऑन पैसिव के बाद का जीवन, ऑन पैसिव से पहले का जीवन, परीक्षण और अविश्वसनीय चरित्र एकत्रीकरण, नैतिकता दिखाने, और ऑन पैसिव के लिए लड़ने की भावना व्यक्त करने जैसा है। आगे है कि द विजन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस एंड लर्निंग ऑफ द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑन पैसिव, यानी ये चरित्र निर्माण प्रक्रिया जो है और सीखने की दृष्टि है। तो ऑन पैसिव का मिशन उद्देश्य यही है हमारा। लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव इज गोइंग टू बी क्रेजी, यानी ऑन पैसिव के बाद का जो जीवन होगा वो पागलपन से भरा हुआ होगा, क्रेजी होगा। क्यों क्रेजी होगा भाई? तो सुपर लग्जरियस, फुल ऑफ एडवेंचर। क्या क्या होंगे इसमें? सुपर लग्जरियस, भव विलासतापूर्ण और रोमांच से भरपूर होने वाला है। फिर है द फाउंडिंग मेंबर्स आर गोइंग टू बिकम द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, यानी जो आपको संस्थापक सदस्य हैं और अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहे हैं, जो फाउंडर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? तो
द फाउंडिंग मेंबर्स आर गोइंग टू बिकम द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, अपने कंट्रीज के वो बैकबोन होने वाले हैं। किस चीज के? इकोनॉमी के बैकबोन होने वाले हैं। वी विल प्ले ए वाइटल रोल इन ब्लेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल इन नीड। यानी हम आशीर्वाद करने और अरबों जरूरतमंद लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वायरल रोल इन ब्लेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों अरबों लोग, बिलियंस अरबों में, अरबों लोगों की जिंदगी हम चेंज करेंगे। इन नीड आवर लाइफ इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग सक्सेस अमेजिंगली फॉर एवरीवन। यानी हमारा जीवन हर किसी के लिए आश्चर्यजनक रूप से सबसे रोमांचक सफलता बनने जा रहा है। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, रनिंग ऑन पैसिव एनर्जी एंड सेटिंग अप मल्टीपल चैनल्स टू क्रिएट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम यूज्ड टू बी। तो ये जो एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसको ये ऑन पैसिव ऊर्जा चला रहा है, आय के विभिन्न स्रोतों को क्रेडिट करने के लिए कई चैनल स्थापित कर रहा है। द एपीआई इज ए स्टैंड अलोन टू प्रोवाइड ए रेवेन्यू जनरेटर सिस्टम। दिस इज ए यूनिक बिजनेस मॉडल। एपीआई राजस्व जनरेटर प्रणाली प्रदान करने के लिए स्टैंड अलोंग है। यह अद्वितीय व्यवसाय मॉडल है। नेक्स्ट है कि ओपनिंग एजेंसी यानी उद्यातन एजेंसी। तो ऑन पैसिव ऑल्सो फोकसेस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू एक्सक्लूसिव रिसेलर्स स्पेसिफिक एजेंसी। ऑन पैसिव विशेष पुनर्विक्रेताओं, विशिष्ट एजेंसी के माध्यम से उत्पादों को बेचने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। दिस इज ए ग्रेट बिजनेस स्ट्रेटजी टू गो वायरल एंड एक्सपेंड द स्कोप ऑफ ऑन पैसिव मेकिंग इट यूनिवर्सल ब्रिलियंटली। यह ऑन पैसिव को शानदार ढंग से सार्वभौमिक बनाने के दायरे में वायरल करने और विस्तारित करने के लिए एक बड़ी व्यावसायिक रणनीति है। दिस इज द रेवेन्यू सर्विस प्रोडक्ट मॉडल ऑफ डिजिटल बिजनेसेस। यह डिजिटल व्यवसाय का राजस्व सेवा उत्पाद मॉडल है। ओ वेरीफाई हैज मेनी ऑप्शंस। कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी, इट इज एन इजी प्रोसेस ऑफ फ्यू मिनट्स। यानी आप जो ओ वेरीफाई में कई विकल्प हैं, दस्तावेज तैयार रखें, यह कुछ मिनटों की आसान प्रक्रिया है। कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों की पूरी पैकेजिंग। ओ कनेक्ट इज गोइंग टू कॉमर्शियलाइज इन फुल्ली इक्विप्ड फॉर्म्स लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप, पैकेज अमाउंट, कंप्लीट वीडियो गाइड, पैम्फलेट, गुड डायरेक्शन। अब इसको यूं समझते हैं कि ओ कनेक्ट पूरी तरह से सुसज्जित रूपों में मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप, पैकेज राशि, संपूर्ण वीडियो गाइड, पैम्पलेट, अच्छी दिशा का व्यवसायीकरण करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है?
अच्छी दिशा का व्यवसायीकरण करने जा रहा है। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ओ कनेक्ट रेवेन्यू इज पेबल विथ नेक्स्ट टू स्पीच स्लोगिंग, यानी आपको ओ कनेक्ट जो है राजस्व का भुगतान योग बड़ा प्रतिशत टेक्स्ट टू स्पीच साइन के साथ संपन्न है। क्या है ये कि ये पेबल विथ टेक्स्ट टू स्पीच साइनिंग द लैंग्वेज चेंज ऑप्शन इज ग्रेट। इसका जो लैंग्वेज चेंज ऑप्शन होगा वो बहुत ग्रेट होगा, यानी लैंग्वेज बार दुनिया में आप जिनसे भी बात करना चाहें, जिस तरह की बातें हो, चूंकि लैंग्वेज बार के ही वजह से हम लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी ए गेम कैरेक्टर, गेम चेंजर, यानी इसको यूं अब समझा जाए कि भाषा परिवर्तन के विकल्प तो बहुत बढ़िया है और ये गेम चेंजर भी साबित होने वाला है। गेम चेंजर साबित होने वाला का मतलब कि आपको ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि आप खुद जो है चकित रहेंगे और हतप्रभ रहेंगे। 1000 पार्टिसिपेंट्स, अनलिमिटेड टाइम, और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेलेंट फीचर्स। 1000 पार्टिसिपेंट्स तो हमारे हैं ही, आप हमारे अभी 10,000 पार्टिसिपेंट्स का भी चल रहा है हमारा, और आने वाले दिनों में जब ये ऑफिशियल हो जाएगा, जब ये और अच्छा से इसका नया वर्जन आ जाएगा तो 10,000, क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बढ़ते क्रम की संख्या में ये बढ़ता हुआ चलेगा। और चूंकि अभी ये जो है आपको 12 के रेजोल्यूशन में भी ये चला था, 12 के रेजोल्यूशन अभी हमारे क्रिस जॉनसन सर जो उस वेबिनार में थे तो बता रहे थे कि सर आपने 12 के रेजोल्यूशन को चला दिया, तो सर हमारे जो बहुत सारे फाउंडर हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तो 4G का ही मोबाइल है तो फिर कैसे होगा। तो सर ने बताया था कि एक ऐसा समय आपको ऐसा कर दिया जाएगा कि आप जो है यहाँ से एक अच्छा डिवाइस, एक अच्छा लैपटॉप और एक अच्छा जो है वो प्रकरण जो है इसके आप ले लेंगे, और जिसके जरिए आप जो है हमारा ओ कनेक्ट का 12 के वर्जन जो है उसमें आप इस फीचर का एंजॉय करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आएंगे और सारे लोग जो है आपकी बातें वो सुनेंगे। तो ये इसकी बात हुई कि लैंग्वेज बैरियर, language change option is great, this is going to be a game changer, or unlimited time, extraordinary and excellent features, or multi participants, ये इसके अंदर रहेंगे। next आगे बढ़ते हैं कि आपको देखना है कि ये आपको यूं आता है कि सैलरी स्ट्रक्चर एंड कमीशन, यानी वेतन संरचना, संरचना और कमीशन। अब इसमें है कि ऑन पैसिव इज नोन फॉर लॉन्ग लास्टिंग, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, लार्जेस्ट जॉर्जियस डायमंड हार्ट कंपनी, यानी कि ऑन पैसिव लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी भव्य डायमंड हार्ट कंपनी, सबसे प्रभावी, अत्यधिक उत्पादक, मूल्यवान ब्रांड, यानी वैल्युएबल कि आपको मोस्ट इफेक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव एंड वैल्यूड ब्रांड, वैल्यूड ब्रांड होंगे ये। दूसरी चीज है कि हाइब्रिड सस्टेनेबल डायनेमिक बिजनेस प्लान, आवर इनकम इज इंडोर्ड इंडोर्ड विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट्स, द वर्ल्ड इज इंडोर्ड विथ वंडर मैथमेटिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट, इट इज एक्सेप्शनली द लार्जेस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसर इज गोइंग टू बी मेड, यानी कि ये असारद
और साधारण रूप से सबसे बड़ा राजस्व उत्पादक बनने जा रहा है। देखिए जीवन का कितना बड़ा संकल्प है वो पूरा होने वाला है 100% निश्चित रूप से, टू बी फुलफिल्ड, यानी के सी वट एवर बिग रिजोल्यूशन यू हैव इन लाइफ इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड विथ 100% सर्टेनिटी। नेक्स्ट, वंडर्स मार्केटिंग इन इंडिया, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ ऑन पैसिव इज अनदर माइल स्टोन। एवरीथिंग वी डू इज टॉप नॉच। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल। भारत में वंडर्स मार्केटिंग, ऑन पैसिव की ब्रांडिंग और प्रमोशन एक और मील का पत्थर है। हम सब कुछ शीर्ष स्तर से करते हैं। यह आश्चर्यजनक है, अद्भुत है और अविश्वसनीय है। और क्या है ये? अविश्वसनीय है। इंडिया इज ए पावर पैक ऑफ सेलिब्रिटीज इन पॉलिटिक्स, बॉलीवुड स्टार, स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, विथ बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑन पैसिव इज गोइंग टू हार्नेस द सुपर स्टार्स इनफिनिट पोटेंशियल ऑफ ब्रांडिंग। ऑन पैसिव इन इंडिया वी आर गोइंग टू बी मैसिव वायरल। वी आर गोइंग टू बी मैसिव वायरल। भारत, राजनीति, बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट जैसे खेलों में मशहूर हस्तियों का पावर पैक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके अरबों फॉलोवर्स हैं। ऑन पैसिव भारत में ऑन पैसिव ब्रांडिंग के लिए सुपरस्टार की अनंत क्षमता का उपयोग करने जा रहा है। हम बड़े पैमाने पर बनने जा रहे हैं वायरल वायरल वायरल। हम क्या होने वाले हैं? वायरल होने वाले हैं। अनदर स्पेक्टेकुलर हिस्टोरिक वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच विच विल बी सेंसेशनल एंड ए ह्यूज कैटलिस्ट बूस्टर डोज फॉर आवर ब्रांडिंग प्रमोशन। दिस इज गोइंग टू बी मिराकल ब्रांडिंग इन इंडिया आफ्टर द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। जब भी हमारे यहाँ वर्ल्ड कप होता है, अभी तो पिछला वर्ल्ड कप हमारा हो गया, लेकिन अब जो हमारा वर्ल्ड कप होगा, तो एक और जिसको शानदार ऐतिहासिक विश्व कप क्रिकेट जो होगा, तो उसमें जो हमारा ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए बहुत ही सनसनीखेज और बड़ी उत्प्रेरक बूस्टर खुराक होगी। ये भारत में चमत्कारिक ब्रांडिंग होने जा रही है ग्रह के बाकी हिस्सों के बाद, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। ओ ट्रैकर इज अनदर वंडर। ओ ट्रैकर इज ए ओ ट्रैकर इज ए व्हिसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट विच इज द टॉप लीडर ऑफ ट्रैकिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। यानी ओ ट्रैकर एक और अजूबा है, एक और अजूबा है हमारे पास में। ऐसे ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं। तो ओ ट्रैकर एक विशाल करिश्माई उत्पाद है जो व्यापार जगत में ट्रैकिंग का शीर्ष नेता है। व्यापार जगत में शीर्ष नेता है। दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, यानी असाधारण उत्पाद है ये। दैट कैन डेमोलिश एंड क्रश द करेंट साइबर क्राइम फ्रॉड्स एंड क्योर द इम्प्योरिटी ऑफ द इंटरनेट। यानी यह असाधारण उत्पाद है जो वर्तमान साइबर अपराध
जो अभी साइबर अटैक चल रहा है, अभी तो आज ही चल गया हमारे पास में। आज आप देख लें कि आज जो है आपको मेल आने शुरुआत हो गए और हमको अल्टीमेटम दे दिया गया कि उसको आप टच नहीं करें। तो जो साइबर अपराध है, जो धोखाधड़ी को ध्वस्त और कुचल सकता है और इंटरनेट की अशुद्धता को ठीक कर सकता है, कौन कर सकता है? ऑन पैसिव का ओ ट्रैकर। इट विल इन लिवन द ब्यूरोक्रेसी एंड एक्ट एज सुपर वॉचमैन इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। देखिए कि ये सभी व्यवसायिक गतिविधियों पर नजर रखेगा, हमारा ट्रैफिक, हमारे विचार, हमारी पसंद, विभिन्न देशों से ट्रैफिक, यह डिजिटल व्यवसाय विकास का आकलन करने में सुपर टाइकून है। ये मन, ये आपके मन को बिल्कुल झकझोर देने वाला है। दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इट इज अ सुपर टाइकून इन एक्सेसिंग डिजिटल बिजनेस ग्रोथ। इट विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, सारे बिजनेस एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा। आवर ट्रैफिक, आवर व्यूज, आवर लाइक्स, ट्रैफिक फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये आपका सुपर सुपर वॉचमैन है आपका ये। वेयर डू वी स्टैंड नाउ, यानी अब हम अभी कहाँ खड़े हैं, इसके बारे में फिर इमेजिन कीजिए। दिस इज द राइट टाइम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड डिलीवरी, ए ह्यूज एक्सप्लोसिव इज कमिंग। वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी चेंज ऑफ आवर लाइफ। यानी ये हमारे उत्पादों की पैकेजिंग, ये हमारे उत्पादों की पैकेजिंग और डिलीवरी का सही समय है। एक बहुत बड़ा विस्फोट आ रहा है। हम आपके जीवन के क्रांतिकारी बदलाव का सबसे अच्छा हिस्सा बनने जा रहे हैं। ए ला ए ह्यूज एक्सप्लोसिव इज कमिंग। वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी चेंज ऑफ आवर लाइफ। मोस्ट पॉपुलर पावरफुल फेम। वी आर गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप बिजनेस जियांट्स। हम अपने जीवन के एक क्रांतिकारी बदलाव का सबसे अच्छा हिस्सा बनने जा रहे हैं। सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली प्रसिद्धि। हम शीर्ष व्यापार जगत में बड़ी हस्ती के रूप में पहचानने जाने वाले हैं, पहचाने जाने वाले हैं। वी कैन सी आवर नेम्स इन फोर्ब्स मैगजीन। हम अपना नाम फोर्ब्स मैगजीन में देखेंगे। फॉर्च्यून 500, ये भी एक मैगजीन है। न्यूयॉर्क टाइम्स, मस्ट, वाशिंगटन डीसी न्यूज़पेपर, लंदन टाइम्स, सीएनएन, वर्ल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब हमारी उपलब्धि होगी। आने वाले समय में हम अपना नाम फोर्ब्स मैगजीन, फॉर्च्यून 500, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन डीसी न्यूज़पेपर, लंदन टाइम्स, सीएनएन, वर्ल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। इन सारे चीजों में तो अंततः ये है कि आवर लीगेसी कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी हमारे जो बहुत एक्टिव फाउंडर हमारे श्री गुरुराज जी, जिनका आज देहांत हो गया, लेकिन वो तो चले गए, लेकिन अपने साथ क्या छोड़ गए? अपनी एक विरासत उन्होंने छोड़ दी। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास लीगेसी है। आवर लीगेसी कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमारी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहेगी। वी आर गोइंग टू बी द रोल मॉडल्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। वी आर ए बीकॉन ऑफ होप फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। आवर बिग सक्सेस इंटरव्यू इज पार्ट ऑफ नॉवेल स्टोरी इन लिटरेचर। गोइंग टू राइट ए बुक ऑन
ऑन पैसिव। हम व्यापार की दुनिया में रोल मॉडल बनने जा रहे हैं। हम वैश्विक समुदाय के लिए आशा की किरण है। हमारी बड़ी सफलता साक्षात्कार, साहित्य में उपन्यास कहानी का हिस्सा है। निष्क्रिय पर किताब एक लिखने जा रहे हैं। तो क्या आपको महसूस करना है? सो फील द मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, यानी तो चुंबकीय वर्ण को महसूस करें। ऑन पैसिव इज द मोस्ट फैसिनेटिंग, सेंसेशनल, अमेजिंग सॉल्यूशन टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी ऑन पैसिव सबसे आकर्षक, सनसनीखेज, आश्चर्यजनक बेरोजगारी और गरीबी का अद्भुत समाधान है। ऑन पैसिव इज ए ट्रेंड सेटर, वाइब्रेंट, डायनेमिक, सस्टेनेबल, रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल पाथ ब्रेकर। तो दिस इज गोइंग टू प्रूव टू बी ए पैनेसिया फॉर द प्लैनेट। यानी ऑन पैसिव एक ट्रेड सेंटर, जीवंत, गतिशील, अस्थाई, विश्वसनीय, लंबे समय तक चलने वाला, टिकाऊ पाथ ब्रेकर है। और द फिनेंशियल सुनामी इज ब्रेकिंग एंड क्रिएटिंग एक्साइटमेंट इन योर लाइव्स। वित्तीय सुनामी टूट रही है और हमारे जीवन में उत्साह पैदा कर रही है। ये हमारा प्लान है और ये हमारे ऑन पैसिव के साथ ड्रीम है, जिसे आप निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, जब हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, जब सिस्टम हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कहाँ होंगे और किस तरह होंगे, ये हम सिर्फ अभी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो फारसी में एक कहावत है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एक्टिव स्टार इंडिया मंच के 33 पार्टिसिपेंट्स अब तक यहाँ अपनी जो अस्थायित्व है उसको बनाए हुए हैं, अपनी सीट को पकड़ के बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। तो अब आपका जो है, अपनी सीट बेल्ट को आप बांध ही लें, समय आ चुका है आपका। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बस पेशेंस और पैनिक नहीं होना है, पेशेंस को बिल्कुल बना करके रखना है। बहुत करीब से करीब आ चुके हैं आप। फाउंडर्स के लिए इथेरियम के मालिक, जो क्रिप्टो करेंसी में दुनिया का सेकंड सबसे जो बड़ी क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम, उसके जो ऑनर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जितना पैसा बोलिएगा सर, मैं आपको पैसा दूंगा, मुझे फाउंडरशिप दे दीजिए। तो हमारे सीईओ सर ने कहा कि नहीं, ये क्लोज हो गया तो क्लोज हो गया, बंद हो गया तो बंद हो गया। क्योंकि जो बात है वो बात है, मैं अगर इसको ऑन करके आपको दे देता हूं तो फिर ये बात बात नहीं रहेगी। जो सिद्धता है वो कायम रहेगी, बना हुआ तो बना हुआ, अरबों खरबों आप दे दें, मिलियन बिलियन ट्रिलियन दे देंगे, फाउंडरशिप नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इसीलिए अपना ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें और खुश रहें, और जितने भी नेगेटिविटी बातें होती है उनसे अपने आप को दूर रखें। हैव और बी हेल्दी, बी गुड, बी पॉजिटिव, बी केयरफुल, टेक केयर योर सेल्फ। आई एम जमशेद आलम फ्रॉम पूर्णिया बिहार। नाउ इस सेशन को वाइंड अप करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। मैंने सभी के जितने भी थे, सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया, सारे लोग इस मंच पे नहीं आ पाए। आज हमारा सेशन जो है, मेरे ख्याल से इंडिया में यही एक सेशन चला है, जो कि हम सेशन को, देखिए जिंदगी और मौत का इंसान का कोई भरोसा नहीं है।
आना और जानो सबको लगा हुआ। आज मैं बात कर रहा हूं, कल हो सकता है मैं आपके सामने नहीं रहूं, न रहूं, तो न हम अपना खाना रोक सकते हैं, न पहनना रोक सकते हैं, न अपनी सांस रोक सकते हैं। उसी तरह से मैं जितने भी मंच क्रिएटर हैं आज पूरे भारत में, इंडिया में, वो लोग जो खास अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं कि आज हम लोग सेशन नहीं लेंगे, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं भी इस मंच के द्वारा, हमारे जो गुरुराज जी आज हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत डेडिकेटेड फाउंडर थे। और हमारे जबेर जाफरी सर भी, उनके बारे में बताएं कि कई बार उनसे बात हुई है और उनको बहुत ज्यादा ये भी किए थे ये मतलब उत्साहित भी किए थे कि आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो। तो मैं इस मंच को अब हैंड ओवर करता हूँ हमारे जबेर जाफरी जी सर को कि सर आज हमारे सेशन को वाइंड अप कर दीजिए सर, आप प्लीज प्लीज प्लीज। जबेर जाफरी सर, वेलकम सर, हमारे स्लोगन के साथ। तो मनोरमा मैम, मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं आप, तो नीता देवी मैम आप आए और सेशन को वाइंड अप कर दें, 8:06 हो रहे हैं। नीता देवी मैम वेलकम मैम। तो लग रहा है कि रोमा दास मैम, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? रेखा रानी मैम, सतपाल थापा जी, ओके ओके थैंक यू सर जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू सर जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर। मुझे आपने ऐसा मौका दिया है कि मैं अपना शाशे बाइंडिंग की तरफ लेके चलूँ सर। और जैसे हम कहते हैं कि हम आज खुशी से जाएंगे और कल फिर हम खुशी से आएंगे, और मैं यही अपने स्लोगन के साथ अपना ये शाशन बाइंड अप की तरफ बाइंडिंग करती हूँ। और थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और हमारा ये एक अन पैसिव का जो नारा है, वी नीड टू बी नीट, और इसी स्लोगन के साथ हम वाइंड अप करते हैं सर। वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं वी आर सो इन इट टू विन इट। आज जाएंगे तो कल आएंगे, सी यू टुमारो, गुड नाइट एवरीवन। सारे लोग एक्साइटमेंट मोड में आते हैं। हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। तो